हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सीओसी में आने वाली एक एक्टिव ग्लिच के बारे में बताने वाला हूँ। कौन सा है वो ग्लिच, देखने के लिए जानने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका प्यारा यूट्यूब अनाशो आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हमारे जो बिल्डर्स हैं सारे के सारे बिजी है, मतलब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक स्प्रिंग ट्रैप्स, मतलब सभी बिल्डर्स, एक बात है कि सभी बिल्डर्स जो है बिजी है। अगर हम यहाँ पर अभी ये ग्लिच कौन सा है, तो ये ग्लिच है बिल्डर का ग्लिच। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लेआउट है, और यहाँ पर हमने एक लेआउट सेट करके रखा है और एक एक्टिव लेआउट है। अगर हम इस लेआउट को अगर सेट एक्टिव करेंगे, जैसे टच एक्टिव हो गया और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते गाइस, यहाँ पर सोने जैसा सिंबल आ रहा है सब। मतलब एक दो बिल्डर्स जो है सो रहे हैं, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो सारे के सारे बिल्डर्स जो है बिजी है। यही है सीओसी का ग्लिच। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी बिल्डर्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोने जैसे वो जो झड़झड़ का है वो सिंबल आ रहा है, वो आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो बिल्डर है वो सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर की तरफ देख सकते कि सारे के सारे बिल्डर्स जो है वो अभी बिजी है। और थोड़ी देर बाद अगर हम देखें तो सारे के सारे शांत हो गए। अगर हम फिर से वैसे करें, यहाँ पर अगर हम सेट एज एक्टिव करें और यहाँ पर फिर से हम ये लेआउट लगाए तो फिर से ये ऐसा ही दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते गाइस, झड़झड़ सभी बिल्डर हट के ऊपर दिख रहा है, मतलब बिल्डर वहाँ सो रहे, लेकिन ऊपर की तरफ सारे बिल्डर जो है बीच। यही था ये बिल्डर हट का ग्लिच। आपको इस ग्लिच के बारे में पता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं चाहता हूँ कि सीओसी इसे जल्दी से जल्दी हटाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।